बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम मदीना शरीफ की गलियों में फिर रहे हैं, मदीना शरीफ शहर में जहाँ लोग रहते हैं हरम से बाहर। नीयत हमारी ये है कि हम कोई ऐसा होटल देख पाएँ जहाँ पे खाना खाएं, जहाँ मदीना शरीफ वाले खुद खाते हैं, जहाँ अरबी लोग खाना खाते हैं, उनका क्या टेस्ट होता है वो ढूंढने के लिए निकले हैं। लोगों ने मना किया, कहते हैं कि अरबियों का खाना आप ना खाएं, फीका होता है, मज़ा नहीं आएगा। चलें मज़ा नहीं आएगा लेकिन पता तो लगेगा ना। ये देख के मेरा और सुल्तान भाई याद जनाब निकल आए हैं। ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं, छोटी छोटी गलियाँ, अंदरून लाहौर की तरह की लग रही हैं हालात जो इसके हो गए हैं। ये ड्राई क्लीनर भी हमें चाहिए था, तो वो भी देखें ना, फिरने टुरने से पता लगता है, वो भी हमें एक मिल गया। अब हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये एक खजूरों की मार्केट के अंदर से दुकान निकली हुई, मुश्किल और बुखारी। जगह जगह पर आपको होटलों के बाहर लिखा होगा पाकिस्तानी इंडियन खाने, बुखारी रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह। वहाँ ना जाने की वजह ये, नंबर एक तो ये है कि पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह हम खाने खाते ही आ रहे हैं, जस्ट फॉर अ चेंज हम लोग इधर आए हैं ताकि इनके खाने भी तो खा के देखे जाएँ कि ये लोग क्या खाना पसंद करते हैं। देखिए ये भी एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ठीक है ना, चलने का मतलब है। चप्पल पहन लेनी थी, वो सैंडल टाइप की थी वो, मैं तो गर्मी है यार, ठीक है। फुल फ्लैज मार्केट टाइप जगह है, हर चीज़ यहाँ से मिल सकती है, जूते, बैग्स, कपड़े, कोई भी आपको चीज़ चाहिए हो इन दुकानों में वो मौजूद है। थोड़ा शहर की तरफ जा रहे हैं, शहर जहाँ पे सेंटर मदीना सिटी है, यहाँ इनकी मकामी आबादी आती जाती है शॉपिंग के लिए, खाने पीने के लिए। बेकरी है ये जो हरम में आपको इफ्तारी में रोटियां और बन से बने मिलते हैं, ये यहाँ से जाते हैं, पता लग गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? यहाँ एक होटल है जो बकरा शकरा खाना है, तो साल नहीं बकरा शकरा नहीं खाना, तो सालम बकरा पकड़ के रोस्ट कर रहे होते हैं, पूरी मार्केट है। हाँ पूरी मार्केट ही है, मजा नहीं है। साथ में जाओगे ना, इधर सामने गली में हाँ। ये जो शीशा नहीं लगा हुआ, ये जो शीशा है मतलब मजा, ये रेड 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 वाले जिसमें ब्रिटिश ये जो उल्टे हाथ हो गए ना, सीधे अंदर गली जाती है, ठीक है, उस गली में पूरी मार्केट ही है, वही चीज है वो, पूरा बकरा हर चीज मिलती है। मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया शुक्रिया। वो स्त्री कह रहे थे ना कि उम्मीद रखी थी, प्लीज थिंक हम उधर आ चुके हैं। लो जी आ गई वो मार्केट, पूरे पूरे बकरे रोस्ट करके खिला रहे होते हैं लोगों को ये। ये
बढ़िया लग रहा है। ये ठीक लग रहा है मुझे। बैठो उस्ताद जी। ये सारी मार्केट जो है इसमें मंदी सेल की जाती है बनाकर। आप अभी देखें चारों तरफ सारी जो दुकानें हैं ये मंदी ही बना रहे हैं। हम आए हैं जिस दुकान पे, ये यूगुर अल असली मंदी है, चाइनीज़ मुसलमान जो सिंकियांग प्रोविंस के होते हैं वो बना रहे हैं ये। मैंने यहाँ क्यों आके खाने का फैसला किया वो इसलिए कि मैंने फूड रेंजर का प्रोग्राम देखा था जिसमें उसने चाइनीज़ मुस्लिम फूड टूर किया था। मुझे अच्छा लगा था जितनी अच्छी तरह वो बना रहे थे, इसी से इंस्पायर होकर मैं इधर आया हूँ। अदरवाइज दुकानें तो काफ़ी सारी हैं, सारी ही बारबेक्यू आइटम सेल कर रहे हैं। पूरी मार्केट है, पीछे भी एक दुकान थी। यहाँ पर बंगाली खाने भी हैं, मछली का भी उन्होंने रोस्ट किया होगा। एक सामने पीछे जो आपको दुकान नज़र आ रही है, लड़का जो खड़ा मोबाइल पे लगा होगा, ये मछली सर्व कर रहे हैं। बारबेक्यू फिश है, बड़ा एक अच्छी जगह लग रही है। लेट्स सी फूड अब कैसा है। कितना प्रोफेशनल फूड का सही है ये बंदा। पेप्सी भाई, टमाटर वाली चटनी भी दी और दो बोतलें पेप्सी की। पेप्सी इधर नहीं, पेप्सी उधर से नहीं। ये साहब हमारे साथ पंगे ले रहे हैं, आज अपना पानी बेचने के लिए। काफ़ी नामी कोई चीज़ है, देखें क्या है। तो कुछ भी नहीं है फिलहाल। हम इस टाइम चाय पीने के चक्कर में हैं, कहीं से ठीक चाय मिल जाए। तो बाकी की दिखाते हैं मार्केट मंदिर की। ये है जब बकरा पूरा रखा जाता है तो उसके बाद उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। इसमें चिकन की मंदी भी रखी हुई है और जहाँ से हमने खाया है इसका नाम है मंदी अल यगूरी। ये साहब होते हैं जो, इनकी शक्लें देख लें, ये मिलेंगे आपको। बारबेक्यू आइटम्स भी इधर काफ़ी हैं। उसके बार भी क्यों भी है, मार्केट है पूरी। आगे चल के देखते हैं, पूरी सारी फूड स्ट्रीट है ये। तो सब देखें, हर तरफ आपको धुआं धुआं और गोश्त की स्मेल नज़र आएगी। ये मंदी सुपर मार्केट है मदीना शरीफ की। शाय है, शाय अवेलेबल, चाय है, चाय सुलेमानी, चाय सुलेमानी, सुलेमानी चाय है बेसिकली। जो हसावी नहना الواحد 5 रियाल 5 रियाल। ये बता रहे हैं कि जी चैनक पूरी जो है 5 रियाल की है, और इससे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि है या नहीं, मगर ना वो हमारी बात समझ पा रहे हैं ना मुश्किल। मिस्री अरेबिक स्पीक अरेबिक
माफी मार मारा भाई। प्रॉब्लम वही है कि उसको ना उसको बोली जाती है हमारी ज़ुबान, ना ही हम उसकी ज़ुबान बोल सकते हैं। तो बता, मज़ेदार था। अभी अगर चाय मिले ना तो मज़ा आता है, मुकम्मल होता है टेस्ट। चाय की तलाश में हैं जी हम, देखें कहाँ पर मिलती है। असल मज़ा ये है बाहर आके, अगर आपने पाकिस्तानी खाना ही खाने हैं तो वो इतना मैंने पहले उसकी उससे कोई मज़ा नहीं था। पूरे जोड़ की चीज़ें ये देखें, ये बन रहे हैं शायद चप्पल कबाब टाइप चीज़ लग रही, लेकिन ये मछली है गल, ये है मछली। दिखाना था ना क्या बन रहा है, ये मछली है जी, फ्राई हो रही थी फ्राई। थैंक यू। मज़ा आया। ये क्या रख के बैठे हैं ये? मन हाजा ये सफाई कर रही है। सफाई, ये देखें जी बच्चा उर्दू बोल रहा है पूरा। क्या है ये? अच्छा अच्छा, नाम क्या है इसका? ओके, मन इसमु आना इसका गोर कोर गोरो 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 नाम की चीज़ है, कहते हैं ये गिट्टे गोटे ठीक कर देगा। पूरी एक चेन है फूड स्ट्रीट की, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ। तो देखो फ्रेश मछली बनाने के लिए निकाल रहे हैं ये सब, कारोबार समेट चुके हैं अपना अब तक। ये देखें ये जो खा के आए हैं अंदर से हम चीज़, इसका बाहर वाली साइड है। सामने बेकरी है, का बोर्ड अभी बनने गया हुआ लगता है। चाय के साथ कोई चीज़ खाते हैं, इनके पास रस बने हुए ना जो, ये मज़ेदार हो लेते हैं लोग। ये मुख्तलिफ़ किस्म के अचार हैं सेल कर रहे हैं, ऑलिव्स हैं और दीगर पिकल उसने बना रहे हैं। पीछे दाल सेमियाँ जो पाकिस्तान में होती हैं वो भी। बेकरी से भी कोई चीज़ लेते हैं चाय के साथ खाने के लिए। शाबूरा, शाबूरा बिल समसम, तिलों वाले हैं ये, और ये बिस्किट हैं 12 रियाल फी किलो हैं गालबा। और ये क्या है जी, ये खजूर से कोई बनाई हुई चीज़ है बिस्किट, तमरिया। और ये इस तरह केक रस होते हैं पाकिस्तान में, जो करीब करीब चीज़ों से मिलती जुलती, ये हम लेंगे मेरा ख्याल लेने चाहिए। मुख्तलिफ किस्म की बेकरी आइटम जिन्होंने बनाई हुई हैं, देखते हैं मज़ीद भी क्या है इनके पास। ये देखें ये बिस्किट हैं, ज़्यादातर खजूर से बने हुए हैं। खजूर इनके कल्चर और फूड का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके बगैर खाने नहीं मुकम्मल होते इनके। नहीं इतने पीस चाहिए, टू पीसेस, वन पीस ऑफ दिस, टू पीसेस ऑफ दिस। फिर